आप सभी को मेरे चैनल अंजलि किचन एंड कुक मारवाड़ी में बहुत बहुत स्वागत है यह मेरी मारवाड़ी रेसिपीज की चैनल है तो इसमें आज आप बनाना वाला है केक आप वाटर मिलन से केक बनाऊंगा तरबूज को केक का फ्रूट केक का बहुत ही आसानी से बन जावा है बनाना बहुत ही आसान है घर का सामान से सा बनाऊंगा तो चलो इसने बनावा इससे पहले अगर थे मेरे चैनल में नया हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेलाइकुन दबाना ना भूलो वाटर मिलन केक बनाने के लिए देखो अठम वाटर मिलन ली हुई दो स्लाइस मैं वाटर मिलन ली हूँ इन सब क्या आपा के क्या करेंगे काट लांगा और स्लाइस निकाल लेंगे इस तरह से ये देखो इससे से निकालने को एक ही रीज़न है ना अपन पहले बाद में जाकर ना पीसनो है पीस का एक को अपन जूस जैन को निकाल लेना है इसलिए आप स्लाइस में काट रहा हूँ थी चाहो छोटी या बड़ी जिस भी साइज में काटना चाहो काट लो इसका कोई फर्क हो नहीं पड़ा अब देखो इसमें जो बीज होगा ब्लैक सीड्स हुआ है वह सीड्स आप निकाल लूँगा और इस तरह से स्लाइस से अलग कर लेंगे देखो मैं साइड कर दे रही हूँ बीज ना आप फेंक दूँगा अब अट देखो एक जार ले लिया इस जार में या सारी तरबूज ना आप डाल दूंगा जितनी भी वाटर मिले ना अब आप एक को जूस ना पीस लेंगे और एक जूस जैन को निकाल लगा देखो आप इस अपन ने स्टैंड को नहीं करना लो छानो कौन नहीं है बस ऐनी ग्रेवी जिनको रखना है इसमें अपन निकालना कौन नहीं बस देखो आप आप क्या करेंगे एक बाउल ले लेंगे उस बाउल में इस जूस ना डाल दूँगा अब अटा सिर्फ देखो मैं तेल ली हूँ ये वेजिटेबल ऑयल है रिफाइंड ऑयल वन बाई फोर कप है या पर इसमें डाल दूँगा और अगर बाई चांस अगर सीड्स रह जाओ तो उसने अलग कर लो कोई दिक्कत को नहीं अब अटा मैं चीनी डाल रही हूँ हाफ कप और अटा देखो मैं रोज़ एसेंस ली हूँ रोज एसेंस के आप क्या करेंगे तीन से चार ड्रॉप डाल दूँगा इससे बहुत अच्छा फ्लेवर है आपको और अगर पास आपके पास रोज़ एसेंस नहीं है तो वनीला एसेंस डाल दो अब अठा मैं आपका दूध ली हूँ या नॉर्मल दूध है ये रूम टेम्परेचर का दूध है ना गर्म ना ठंडो वन बाई फोर्थ कप अठा आप दूध डालेंगे मिल्क अब इन सब ना आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखो मैं मिला ली हूँ अब अठा एक स्टेनर लेंगे आप और इसमें आप डालेंगे मैदा ऑल पर्पज फ्लोर एक कप डालेंगे और अठा इसी का आप डालेंगे बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर आप डालेंगे हाफ चम्मच और एक कप आप आठा मैदा डाला इन सब ना आप अच्छे से मिला कर स्टेन कर लूँगा अब आप इसके साथ अच्छे से सा बैटर के साथ मिला लेंगे और एक अच्छो सो बैटर केक को रेडी कर लेंगे तो देखो इसमें लम्स है इसलिए मैं हैंड बीटर की हेल्प से सारे लम्स ना खत्म कर लूँगी इस तरह से बीट कर लूँगी ताकि सारे लम्स खत्म हो जाओ अब देखो सारी लम्स खत्म हो चुकी है अब आप इसमें फूड कलर मिलाऊँगा यो आप रसबेरी को फूड कलर है थोड़ा सो डालेंगे अगर थाना कलर पसंद नहीं थे मत डालो इसने डालने डालना से मिलन को कलर आ जाओगे इसे केक अपन दिखने में बहुत सुंदर लगोगे अब अटम मैं डाल रही हूँ खाना वाला सोडा खाना वाला सोडा मापा आपा डालेंगे विनेगर या देखो आपा यह डाल देंगे इसमें हाफ चम्मच डालेंगे हाफ टी स्पून जिससे की होगा कि अपने जो सो so, खाना वाला सोडो रीएक्टिवेट हो गो और अपनों केक काफ़ी स्पंजी बनोगे और फूलोगे एक ट्रिक है या बहुत जिन दिखावा को नहीं अपनी रेसिपी में लेकिन यह डालने से केक बहुत स्पंजी होगा है विनेगर जरूर डालो अब अच्छी सा आप देखो मैं केक टिन ली हूँ जिसमें मैं पहले से तेल ने ग्रीस कर कर रख ली थी बढ़िया सा इस केक टिन में तेल ने लगा दी थी अब केक को बैटर इसमें डाल दी हूँ अब आप क्या करेंगे गैस की तरफ चलेंगा देखो मत एक कढ़ाई ले ली हूँ उस कढ़ाई ना पहले से मैं दस मिनट के लिए प्री हीट कर ली थी अब इसमें केक की टिन ने रख दूँगा आप और फ़ोर्टी फाइव मिनट्स के लिए इस बेक होने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम में रखते हुए तो देखो फोर्टी फाइव मिनट्स हो गया है और अपनों केक बहुत अच्छी से बेक हो चुका हो मैं पिक की हेल्प से धन दिखा रही हूँ देखो इस, इसमें बिल्कुल नहीं लगो इसका मतलब केक अपना परफेक्ट बेक हुआ अब देखो केक ना मैं निकाल ली हूँ केक ना ठंडो कर ली हूँ अब आपा एक चाकू की हेल्प से इस इस तरह से चारों तरफ से छुड़ा लेंगे ताकि केक ने डिमोल्ट करा तो आसानी से हो जावा तो देखो मैं केक ना इस प्लेट में निकाल ली हूँ दो तीन से तीन बार आपस में टैब करेंगे तो केक आसानी से निकल जावा देखो केक कितनी अच्छे से निकल गया हो ना दो तीन बार टैब करने से केक बहुत अच्छे से निकल जावा हा। तो देखो कितनों जालीदार केक बनो ना इसी से पता चलो कि अपना केक बहुत स्पंजी बहुत अच्छा बनो हुआ देख के समझ में आवा क्योंकि जालीदार केक बनो तो स्पंजी बनो ही है सॉफ्ट बनो हुआ इस तरह से केक मैं मथाना काट कर सामने से दिखा रही हूँ देखो कितना स्पंजी केक अगर थे व्हिपिंग क्रीम पसंद तो व्पिंग क्रीम ऊपर से लगा लो नहीं तो ये केक आये भी बहुत टेस्टी लगा खाना तो देखो इस तरह से बड़ा बच्चा ना छोटा ना सब ना थे दे सको हेल्दी केक है बहुत स्वादिष्ट केक लगा है और अपने लिए बहुत फायदेमंद भी है तो बहुत फ्रूट केक है तो इस न थे जरूर ट्राई करो और मेरे चैनल में नया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन जरूर दबाओ